सीट है, हैं? बंदा यहाँ बैठेगा और ये देखो टायर कितने पीछे। अब भाई बहुत सही हो गई, ठीक है। मैं आपको जो गैप दिखा रहा था ना, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो गैप था ना, वो गैप हो गया खत्म। तो भाई बहुत, मतलब मैं कल इसको लेके गया। Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे रहेंगे। तो यार आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, पता है मैंने क्या कर दिया मेरी बाइक का? पहले अपनी बाइक का आप लुक देख लो भाई, ऐसा मस्त लुक आ रहा है। देखो एकदम हरियाली हरियाली है और सामने खड़ी है अपनी बाइक। ये देखो भाई क्या लुक आ रहा है, देखो पीछे से। अब आपको पता लग गया होगा किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, है ना। लुक देखो कैसा लग रहा है यार, टायर मेरा घिस गया। वैसे तो 4000 किलोमीटर ही चला है ना, 4000-4500 किलोमीटर चला है, वैसे मेरा घिस गया। अब डलवाऊंगा मैं अपोलो अल्फा H1 डलवाऊंगा भाई, 6000 रुपये का टायर डलवाऊंगा, कोई बात नहीं भाई, सिस्टम है ना। तो आज मैं आपको बात कर लेते कि आपको मतलब क्या नहीं करना चाहिए इसमें, क्या डिसएडवांटेज है, क्या चीज़ करने के बाद बताऊँ आपको। भाई ये देखो पीछे का मडगार्ड देख रहे हो आप, अगर ये मडगार्ड हटा दिया, यहाँ बैठने वाला बंदा ना भाई, यहाँ बैठने वाला बंदा, और ये देखो जो यहाँ से पीछे से मतलब भाई कीचड़ वीचड़ निकल के आती है ना, बहुत गंदी निकल के आती है भाई, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, है ना। ये देखो भाई ये बैठा था मेरे पीछे अभी है थोड़ी देर पहले, नहीं ये नहीं बैठा था, ये चला रहा था और मैं बैठा था पीछे में, पीछे से गंदा हो गया बहुत ज़्यादा। तो आप लोग को इसके डिसएडवांटेज बता देता हूँ, है ना, क्या क्या होता है ना होने के बाद। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मडगार्ड हटा दिया, मडगार्ड हटाने के बाद पहली बात तो भाई बारिश का मौसम चल रहा है। अब बारिश का मौसम चल रहा है तो भाई क्या होगा कि भाई पीछे से पानी वानी ये बहुत ज़्यादा फेंकने वाली है, क्योंकि इसका टायर बहुत ज़्यादा बाहर है, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता दी थी, है ना। और अब क्या रहेगा, तो गाइस मैं आपको बता रहा था इसमें जो वो होता है ना, देखो नीचे अपना एक लॉक होता है, देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये लॉक होता है, ये भाई गंदी हो रही है, माइंड मत करना, है ना, ये लॉक होता है इधर। तो ये लॉक पता है क्या हो जाएगा, ये ना लॉक जाम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और आपको इतनी प्रॉब्लम आने लगेगी भाई, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको। अब अगर जैसे मान लो आप ये सोच रहे हो भाई लॉक ख़राब नहीं हो, उसके लिए क्या करें, तो आपको इसके लिए ना एक इसका वो आता है, एक कैप आता है, कैप और अपनी टेल टाइडी में लगा रहता है बेसिकली, वो वाला कैप ना इसमें लग जाएगा, अगर उसके ऊपर अपन टेप ठोक दो, फिर देखो भाई सिस्टम, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है बारिश का मौसम में, तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा भाई मडगार्ड लगा लो, मडगार्ड लगाओगे तो भाई बहुत सही रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और क्योंकि बताऊँ इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, इसका टायर ना बहुत ज़्यादा बाहर है, देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका टायर, देखो कितना बाहर है, ये देखो मतलब ये सीट है, हैं, बंदा यहाँ बैठेगा और ये देखो टायर कितना पीछे। अब भाई बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर बंदा यहाँ बैठेगा ना तो भाई मतलब यार सोच सकते हो आप क्या होगा, कहें तो ये बैठा था एक दिन, इसका भाई इसके साथ क्या हुआ था, क्या हुआ था भाई तेरे साथ, पूरा गंदा हो गया पीछे, ये बात भाई पीछे से ना बहुत पूरा गंदा हो गया था, है ना। तो यार अपनी बाइक में मैं मॉडिफिकेशन करवाने वाला हूँ फाइनली, आई मॉडिफिकेशन पहले करवाऊंगा, उसके बाद रैप करवाऊंगा। अब रैप तो भाई सब लोग वही बोल रहे भाई वही करवा ले बेस्ट है, और वो रैप भाई मैंने ट्राई भी करा था भाई, मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। तो भाई रैप वैप तो देखो इस पे रैप तो ज़्यादा नहीं होगा अपनी पे ना, ये वाला वो वाला, है ना, और सामने का मडगार्ड, बस दो ही चीज़ तो है इसमें भाई, बहुत पैसे लग जाते हैं, ठीक है। एंड तो अभी मैं बात कर लेता हूँ, ये देखो सामने वाले लुक की अपनी भाई, बीस्ट कैसी लग रही है भाई ये बताओ भाई, गाँव में खड़ी हुई एकदम हरियाली हरियाली और यहाँ खड़ी है बीस्ट है। तो भाई यहाँ खड़ी है बीस्ट, तो वो चीज़ भाई मैंने आपको बता दी। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ मैं, है ना, मैं आपको बोल रहा था ना कि अपनी बीस्ट एक बार खुलेगी, तो भाई अपनी खुल के वापस से सही हो गई, ठीक है। मैं आपको जो गैप दिखा रहा था ना, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो गैप था ना, वो गैप हो गया ख़त्म। तो भाई बहुत, मतलब मैं कल इसको लेके गया था, ठीक है, उसके बाद अपना जो ये गैप वीप था, टंकी वंकी हट के, इसका जो अंदर का जो ये फ्यूल टैंक होता है ना, फ्यूल टैंक, वो उन्होंने चेंज करा था, क्योंकि भाई वो पुराने वाला ना मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, वेल्डिंग वेल्डिंग थी उसमें, सिस्टम ख़राब था उसका, है ना। तो इसके लिए फ्यूल टैंक उन्होंने चेंज करा था, तो फ्यूल टैंक अपना चेंज हो गया, अपनी बाइक एकदम ओके भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी रैप आपको दिखा देता हूं कौन सा होगा, देखो इसमें देखो छोटा सा यहाँ पर दिखता है, ये देखो आपको अलग ही दिख रहा होगा ये रैप, है रेनबो। एंड ये देखो तो ये वाला रैप होगा गाइस, ठीक है, आपको मैंने हिंट दे दिया, ये वाला रैप होगा अपनी वाली बाइक में। बाकी तो आज अपनी अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें आपको आई मॉडिफिकेशन मिल जाएगी, आई मॉडिफिकेशन मैं अभी करवाने वाला हूँ इसकी, सबसे पहले आई मॉडिफिकेशन करवाऊंगा। और आपको मैंने भाई बता ही दिया, सजेस्ट कर ही दिया भाई, जब तक बारिश का मौसम चल रहा है तो भाई मडगार्ड लगा लो, और अगर चाहो तो टेल टाइडी भी लगा लो, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों, क्योंकि मैं भी अभी लगाने वाला हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई इसको हटा के। अब मैं जाते ही घर पर भाई सबसे पहले अपने इसका मडगार्ड लगाऊंगा, क्योंकि भाई इतना गंदा कर देते ना पीछे से भाई, क्या ही बताऊँ, बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा गंदा कर देती है। तो भाई ये थी कुछ आज की जानकारी। और ये बताना भाई इंडिकेटर्स वगैरह कैसे लग रहे हैं, ये ना थोड़ा सा देखो यहाँ से, ये देखो हिल रहा है, देखो
ऐसा बजता है, ये पता नहीं क्यों बजता है यार, इसका ना मेरे को रीजन समझ में नहीं आया क्यों बजता है गाइस ये। ठीक है कोई नहीं, करवा लेंगे इसको भी, बाकी ऑल ओवर अपनी बाइक के आप लुक देख लो। ये देखो भाई इंजीनियर आ गया, इंजीनियर देखो, नहीं इंजीनियर देखो भाई इंजीनियर, अंदर कोई दिक्कत इसमें? हाँ तो अंदर की तो बोल रहा हूँ, अंदर ही तो दिक्कत है इसमें तो गाइस, इंजीनियर है, चेंज होएगा। ठीक है भाई इंजीनियर ने बोल ले चेंज होएगा, इंजीनियर नहीं मैकेनिक, इंजीनियर नहीं मैकेनिक, और तू राजी हो रहा है, इंजीनियर बोल दी मैकेनिक है गाइस मैकेनिक। तो कोई बात नहीं गई, जाते हैं और अगली वाली वीडियो में शायद दो वीडियो में से एक वीडियो होगी, या तो आई मॉडिफिकेशन होगी, ठीक अरे भाई समझा, या तो आई मॉडिफिकेशन होगी या होगा इसका 1 लीटर माइलेज टेस्ट, तो वो चीज़ भी मैं करने वाला हूँ, तो दोनों में कमेंट करके बता देना भाई, या पहले माइलेज टेस्ट करूँ या आई मॉडिफिकेशन लेके आऊँ। ठीक है बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, मैं आपको वो डिसएडवांटेज बताना था वो मैंने आपको बता दिया है, कितनी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सब मैंने आपको बता दिया। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।